Hello guys, I am Salia Parveen and I study in class 9th. Today I will discuss about clock. आज हम लोग क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सेकेंड हैंड, मिडिल हैंड एंड आवर हैंड. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सेकेंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई किसे कहते हैं. लॉन्गेस्ट निडल इज कॉल्ड सेकेंड हैंड. बड़ी वाली सुई को सेकेंड वाली सुई कहते हैं. मिडिल निडल इज कॉल्ड मिनट हैंड. मिडिल वाली सुई को मिनट वाली सुई कहते हैं. स्मॉलेस्ट निडल इज कॉल्ड आवर हैंड. छोटी वाली सुई को घंटे वाली सुई कहते हैं. तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि घड़ी एक चक्कर में कितने घंटे पूरे करते हैं और एक चक्कर में कितने मिनट पूरे करते हैं. वन रोटेशन इक्वल टू 12 आवर एंड वन रोटेशन इक्वल टू 60 मिनट. एक चक्कर में 12 घंटे पूरे करते हैं और एक चक्कर में 60 मिनट पूरे करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एक घंटे बराबर 5 मिनट, क्योंकि एक घंटे में घंटे की सुई जितना दूरी तय करती है उतना ही मिनट की सुई 5 मिनट में दूरी तय करती है. तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कितना बजने पर कितना एंगल बनता है. वी नो दैट 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री. एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड बाय फार्मूला एंड टेक्निकल अप्रोच. एंगल हम सब निकालते हैं फार्मूला और टेक्निकल अप्रोच से. क्वेश्चन नंबर 1, 8.5 के बीच एंगल निकालना है. सबसे पहले फॉर्मूला के बीच एंगल निकालेंगे, उसके बाद टेक्निकल अप्रोच से एंगल निकालेंगे. तो चलिए इसे फार्मूला से सॉल्व करते हैं. 11 बाय 2 एम इक्वल टू 30 एच प्लस माइनस ए. एम की जगह 30 है क्योंकि 30 मिनट है. एच की जगह 8 है क्योंकि 8 आवर है. और ए निकालेंगे, 175 डिग्री होगा. तो चलिए अब इसे टेक्निकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं. 6 और 7 के बीच एक घंटे, एक घंटे में 30 डिग्री होते हैं. 7 और 8 के बीच एक घंटे, एक घंटा में 30 डिग्री होते हैं. 9 और 8 के बीच हाफ में 15 डिग्री होते हैं. तो इसे जोड़ने पर 75 डिग्री होगा. तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है. तो आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में इसी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे. थैंक्स.